सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज साइंस फ्यूजन। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है इंटीजर्स क्या होता है एग्जैक्टली। सो अगर आपने पहले के जो क्लासिफिकेशन के जो वीडियो है नंबर का, वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन के बाद ये जो है हमारा फर्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं इंटीजर्स जो है वो उसके बारे में बताऊंगा कि इंटीजर्स को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, और इंटीजर्स जो है वो किस किस पार्ट में डिवाइड है, और जिस पार्ट में भी डिवाइड है उस पार्ट को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। नाउ इंटीजर्स समझने के लिए जो है हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर को। ओके, सो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से, और 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अगर हम लोग काउंट करते जाए तो ये सब जो नंबर्स है, ठीक है, जिनके बीच का जो गैप है वो फिक्स है, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स है इन सबको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नाउ ये नेचुरल नंबर कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। मतलब आप काउंट करते जाओ, जब तक आप काउंट कर सकते हो, ये सब किस में आते हैं? नेचुरल नंबर्स में आते हैं। नाउ क्या 1.5 नेचुरल नंबर है? नहीं। क्या 2.3 नेचुरल नंबर है? नहीं। तो ये जो डेसिमल नंबर्स है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आते हैं। जो कंप्लीट एक नंबर है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ये नेचुरल नंबर में आते हैं। नाउ इसमें ज़ीरो नहीं आता है, ठीक है, और ज़ीरो को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव नंबर्स जो है वो आते हैं। नाउ कंसिडर करो, ये जो नेचुरल नंबर है ये हम लोगों ने एक बैग में डाले हैं, ठीक है, तो जिसमें सब आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा लेके इन्फिनिटी तक सब आ गए। अगर हम लोग इसमें ज़ीरो भी डाल दें, ठीक है, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो है, लेकिन इसमें अगर मैं ज़ीरो भी डाल दूँ, बराबर है, तो ये जो नंबर्स है इसको हम लोग पूरा होल नंबर बोलेंगे। मतलब जो नेचुरल नंबर है अगर मैं उसमें ज़ीरो भी ऐड कर दूँ, ऐड करना मतलब उसके पीछे ऐड नहीं करना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 0 नहीं करना, लेकिन जितने भी नंबर्स है उसमें मैं एक ज़ीरो भी और एक नंबर जैसा है उसको कंसिडर कर लूँ, तो जो मेरा नया सेट जो बनेगा, तो जो मेरा नया सेट बनेगा वो जो पूरा नया सेट है वो क्या है? होल नंबर है। इतना तो समझ गए आप ना। हम लोग नंबर लाइन पर आ जाते हैं, ठीक है, तो एक नंबर लाइन जो उसका सेंटर होता है 0, ठीक है, और जो राइट साइड है अभी उस पर नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और वैसे अगर हम 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। नाउ ये जो नंबर लाइन है वो इन्फाइनाइट तक जाती है, जैसे कि राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक, और जो लेफ्ट साइड पे वहाँ पे माइनस या फिर नेगेटिव इन्फाइनाइट तक जाता है, ठीक है। और ये जो नंबर इनके बीच का जो गैप है वो फिक्स है, वो कितना है? 1 यूनिट या फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो, जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि जो भी पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब कहाँ से, जो कि 1 से स्टार्ट होकर हम लोग अगर इन्फिनिटी तक ले, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो वो सब नंबर्स जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स है। अगर मैं इसमें 0 भी कंसिडर करूँ तो वो क्या बन जाएंगे? सब वो सब बन जाएंगे होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं 0 भी अटैच कर दूँ, जो मेरा पूरा सेट बनेगा, जो मेरा पूरा ग्रुप बनेगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? होल नंबर बोलूँगा। ओके, सो इन दोनों को छोड़ के, यानी 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक राइट हैंड साइड पे वो नंबर्स को छोड़ के अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें, तो ये जो नंबर्स है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -∞ तक, ये जो नंबर्स है ये सब होते हैं नेगेटिव नंबर्स। क्या होते हैं ये सब? नेगेटिव नंबर्स। नाउ अगर मैं एक कंसिडर करूँ, एक बैग लूँ, ठीक है, जिसमें मैंने जो है होल नंबर सब डाल दिए, यानी 0 से लेके राइट हैंड साइड पे पूरे सब नंबर्स, और उसमें अगर मैं सब नेगेटिव नंबर्स भी डाल दूँ, तो ये जो मेरा पूरा बैग है इसमें जो नंबर्स आए हैं ये पूरे नंबर्स को मैं बोलूँगा इंटीजर्स। क्या बोलूँगा इन सबको? इंटीजर्स। मतलब इंटीजर मतलब क्या होता है? इंटीजर मतलब ये सारे नंबर्स जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, बराबर है, और जिनके बीच में जो गैप है वो कितना है? 1 यूनिट का है, से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं जो डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये सारे नंबर्स जो है, बराबर है, तो ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स इंटीजर्स है, ठीक है। सो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आई गेस आप लोगों को समझ गया है कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। नाउ जैसे हम लोगों ने इंटीजर फाइंड आउट किया है, वैसे ही हम लोग रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये धीरे धीरे इसको ना अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे, और फिर सबको एक साथ हम लोग वापस कनेक्ट करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नंबर एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो आज जो हम लोगों ने जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो इसमें से ये जो कैटेगरी है इंटीजर्स से लेके जो नेचुरल नंबर्स तक की जो कैटेगरी है, ये हम लोगों ने आज समझ ली है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, बराबर है, होल नंबर क्या होता है, और नेगेटिव नंबर्स भी क्या होता है, और ये सबको जब मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है।
ओके सो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो एग्जैक्टली किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ठीक है, और आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपको और कुछ इंप्रूवमेंट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ये कंसेप्ट वगैरह नहीं समझा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो लाइक बटन है उसको क्लिक कीजिए, और जो बेल आइकन है प्लीज़ उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको उसके जो नोटिफिकेशन है वो आते रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।